मॉर्निंग एवरीवन, जय देवी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम शुरू करते हैं डेली करंट अफेयर क्लास। तो अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लें और हमारा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आप लोगों को समय समय पर हमारा नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। तो देख लेते हैं आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से बने हुए हैं। तो आज 19 और 20 सितंबर 2021 से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे हम आपके समझ डिस्कस करेंगे और उनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताएंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा हो जाता है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बांस दिवस कब मनाया गया है। तो हाल ही में विश्व बांस दिवस कब मनाया गया है ये आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन हमारा पहला है 15 सितंबर, दूसरा 16 सितंबर, तीसरा है 17 सितंबर और चौथा है कौन सा, तो 18 सितंबर। तो इसमें से हमारा कौन सा विश्व बांस दिवस के रूप में मनाया जाता है दिवस, तो ये आपको बताना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है, 18 सितंबर। 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके रूप में, तो विश्व बांस दिवस के रूप में 18 सितंबर को मनाया जाता है। देख लेते हैं अन्य दिवस। तो अन्य दिवस में 1 सितंबर को राष्ट्रीय पोषण दिवस और गुट निरपेक्ष दिवस मनाया जाता है। 2 सितंबर को नारियल, क्या है, विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, ठीक है, शिक्षक दिवस। और 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 9 सितंबर को हिमालय दिवस और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी हमारे संविधान की क्या है, राष्ट्रभाषा है, ठीक है। तो देख लेते हैं, तो ये हिंदी जो है, हिंदी का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है, तो ये हिंदी का वर्णन अनुच्छेद 343 में मिलता है। किसमें, और हमारे यहाँ कितनी भाषा या बोलियाँ हैं, तो हमारे यहाँ बोलियाँ कितनी होती हैं, तो बोलियाँ हो जाती हैं 18 और भाषा कितनी है, तो 22 भाषाओं का हमारे यहाँ जिक्र किया गया है, ठीक है, 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है और 18 बोलियाँ हमारे यहाँ हो जाती हैं। अगला देख लेते हैं, तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस और 15 सितंबर को अभियंता दिवस मतलब इंजीनियर डे, ठीक है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस और सिंचाई का दिवस मनाया जाता है। अगला है 17 सितंबर विश्वकर्मा जयंती और 20 सितंबर को रेलवे पुलिस बल RPF स्थापना दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में KVIC ने कहाँ कुम्हार समुदाय को सशक्त बनाने के लिए स्पिन योजना शुरू की है। तो हाल ही में KVIC ने कहाँ पर कुम्हार समुदाय को सशक्त बनाने के लिए स्पिन योजना शुरू की है, तो ये वाराणसी, आगरा या फिर इटावा या फिर मैनपुरी। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है, KVIC ने कहाँ पर कुम्हार समुदाय को सशक्त बनाने के लिए स्पिन अभियान शुरू किया है, तो ये शुरू किया है वाराणसी में, ठीक है, वाराणसी में ये अभियान शुरू किया है। तो वाराणसी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, कहाँ है, उत्तर प्रदेश है। तो देख लेते हैं KVCI का फुल फॉर्म क्या है, खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो योगी आदित्यनाथ हैं, और यहाँ की गवर्नर कौन है, तो आनंदीबेन पटेल जी हैं। और यहाँ पर चलते हैं अगले क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किसे सतत विकास लक्ष्यों का एडवोकेट नियुक्त किया है। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किसे सतत विकास लक्ष्यों का एडवोकेट नियुक्त किया हुआ है, तो हमने क्वेश्चन फिर से देख लेना है। तो संयुक्त राष्ट्र ने किसे सतत विकास लक्ष्यों का एडवोकेट नियुक्त किया है, तो इसमें हमारा ऑप्शन है पंकज अडवाणी, कैलाश सत्यार्थी, अमित सक्सेना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 2, कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी को क्या है, संयुक्त राष्ट्र ने सतत विकास लक्ष्यों का एडवोकेट नियुक्त किया है, किसको, क्या है, कैलाश सत्यार्थी जी को, ओके। देख लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945, मुख्यालय न्यूयॉर्क, सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरिस, ठीक है, सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरिस हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में आईपीआई का फ्री मीडिया पायनियर अवार्ड 2021 किसे मिला है। तो हाल ही में आईपीआई का फ्री मीडिया पायनियर अवार्ड 2021 किसे मिला है, तो ये द एल्ट न्यूज़ को, द वायर को या फिर भारत समाचार को या फिर अमर उजाला को। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है ऑप्शन नंबर 2, द वायर को आईपीआई का फ्री मीडिया पायनियर अवार्ड मिला हुआ है 2021 का। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक वेलनेस ब्रांड हाइपरिस्ट के ब्रांड मिस्टर कौन बने हैं, ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है, थोड़ा गलत हो गया है। तो वैश्विक वेलनेस ब्रांड हाइपरिस्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हुए हैं, तो ये बने हैं विराट कोहली, कृति सेनन या फिर अजय देवगन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है, हाल ही में वैश्विक वेलनेस ब्रांड हाइपरिस्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हुए हैं, तो ये बने हुए हैं विराट कोहली। विराट कोहली को वैश्विक वेलनेस ब्रांड हाइपरिस्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने गूगल क्लाउड के साथ को इनोवेशन स्पेस लॉन्च किया है। तो हाल ही में किसने गूगल क्लाउड के साथ को इनोवेशन स्पेस लॉन्च किया है, तो देख लेते हैं, विप्रो ने,
TCS ने या फिर इन्फोसिस ने, तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है ऑप्शन नंबर 3, इन्फोसिस। इन्फोसिस के द्वारा गूगल क्लाउड के साथ इनोवेशन स्पेस लॉन्च किया गया है। देख लेते हैं, तो इसमें देखते हैं विप्रो, तो इसमें हमारा उत्तर विप्रो ही था, ठीक है। इसमें ऑप्शन हमारा गलत हो गया है, इसमें ऑप्शन हमारा विप्रो सही है। विप्रो ने ही क्लाउड के साथ में इनोवेशन स्पेस लॉन्च किया है। तो विप्रो की स्थापना 1945, हेड ऑफिस है बेंगलुरु, CEO हो जाते हैं थेरी डेला कोट्टे, ठीक है। थेरी डेला कोट्टे इसके विप्रो के CEO हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत और किस देश के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए पेट्रोपोल में नई यात्री टर्मिनल भवन का उद्घाटन हुआ है? तो भारत और किस देश के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए पेट्रोपोल में नई यात्री टर्मिनल भवन का उद्घाटन हुआ है? तो ये बांग्लादेश है, नेपाल है, या फिर भूटान है, या फिर म्यांमार। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है ऑप्शन नंबर 1, बांग्लादेश। बांग्लादेश और भारत के बीच में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए पेट्रोपोल में नई यात्री टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया गया है। देख लेते हैं बांग्लादेश, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, मुद्रा टका है, और प्रधानमंत्री यहाँ की शेख हसीना हो जाती हैं। महाद्वीप ये एशिया महाद्वीप में है और इसकी बंगाल की खाड़ी में इसकी स्थिति हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य की सिरारा खोंग मिर्च और तामेंगलोंग संतरे को GI टैग मिला है? तो हाल ही में किस राज्य की सिरारा खोंग मिर्च और तामेंगलोंग संतरे को GI टैग दिया गया है? तो ये असम, मेघालय, या फिर छत्तीसगढ़, या फिर मणिपुर। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है, मणिपुर। मणिपुर की सिरारा खोंग मिर्च और तामेंगलोंग संतरे को GI टैग प्रदान किया गया है। तो देख लेते हैं मणिपुर, तो मणिपुर में लाई हरोबा त्यौहार मनाया जा रहा है, और भारत का सबसे बेस्ट पुलिस स्टेशन जो है नोंगपॉक सेकमई, ठीक है, ये मणिपुर में है। लोकटक झील मणिपुर में है। किबुल लमजाओ और सिरोही नेशनल पार्क ये भी मणिपुर में पाए जाते हैं। तो देख लेते हैं अगला, मणिपुर, तो मणिपुर में ये सिरोंग मिर्च और तामेंगलोंग संतरे को GI टैग मिला है मणिपुर को, ठीक है। देख लेते हैं आगे, तो आगे हमारे मणिपुर के बारे में ही है, तो मणिपुर के बारे में देखते हैं, तो ये एपिडा, ठीक है, इसको जो जारी करता है वो कौन संस्था जारी करती है? जो GI टैग देती है या प्रदान करती है किसी भी राज्य को, तो कौन प्रदान करता है? तो ये एपिडा प्रदान करती है। कौन? एपिडा, कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण। इसका गठन कब हुआ था? तो 1986 में। मुख्यालय नई दिल्ली है, और निदेशक इसके हैं तरुण बजाज, अध्यक्ष इसके होते हैं M अंगमुथु, ठीक है, M अंगमुथु इसके अध्यक्ष हो जाते हैं। देख लेते हैं और किन किन चीज़ों को GI टैग मिल चुका है। तो राजा मिर्च को लंदन से, क्या है, नागालैंड से लंदन को भेजा गया है, ठीक है, इसको भी नागालैंड का मतलब राजा मिर्च जो है इसको भी GI टैग प्रदान हो चुका है। फिर क्या है, ड्रैगन फ्रूट को महाराष्ट्र से दुबई भेजा गया है। अगला है सपोटा चीकू महाराष्ट्र से यूनाइटेड किंगडम को भेजा गया है। अगला है लीची को बिहार से यूनाइटेड किंगडम को भेजा गया है। फिर क्या है, मलमपल्ली आम को आंध्र प्रदेश से दक्षिण कोरिया को भेजा गया है। अगला है लाल चावल असम से अमेरिका को भेजा गया है। लाल चावल को है जो असम से अमेरिका को भेजा गया है। फिर क्या है, काला नामक चावल महोत्सव, ये महोत्सव उत्तर प्रदेश में मनाया भी जाता है, और इसको उत्तर प्रदेश से सिंगापुर में भेजा गया है, ठीक है, उत्तर प्रदेश से सिंगापुर में भेजा गया है। महुआ फूल को छत्तीसगढ़ से फ्रांस में भेजा गया है। और है जरदालू आम को बिहार से बहरीन भेजा गया है, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट को बंद करने का निर्णय किसने लिया है? तो हाल ही में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बंद करने का निर्णय किसके द्वारा लिया गया है, ये आपको बताना है। तो आप देखें और बताएं कि इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बंद करने का निर्णय किसके द्वारा लिया गया है, तो ये आप देखें और बताएं। देखते हैं सबसे पहले इसका जवाब कौन देता है, तो आप जल्दी करें। तो इसमें हमारा IMF है, यूनेस्को है, वर्ल्ड बैंक है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ये आपको जवाब देना है, तो आप जवाब दें। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है ऑप्शन नंबर 3, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को रिपोर्ट बंद करने का ऐलान किया गया। किसके द्वारा? तो विश्व बैंक के द्वारा, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने प्रगति नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो हाल ही में किसके द्वारा प्रगति नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये LIC, TCS, विप्रो, या फिर इन्फोसिस। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 1, LIC। LIC के द्वारा प्रगति नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। कौन सा? तो प्रगति नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? LIC के द्वारा, ठीक है। अगला है क्वेश्चन हमारा, किस राज्य सरकार ने VSSY के तहत 21,000 लाभार्थियों को टूल किट वितरित
किए हैं, तो ये कौन सा है, उत्तर प्रदेश है या फिर मध्य प्रदेश है, राजस्थान है या फिर हरियाणा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है एक, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को, ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार, सरकार के द्वारा वीसी के तहत 21,000 लाभार्थियों को टूल किट वितरित किए गए हैं। कौन है, तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में अन्य कौन सी योजनाएँ या कौन से कार्य चल रहे हैं, तो ये देख लेते हैं। गाजियाबाद देश का पहला ग्रीन म्यूनसिपल बांड जारी करने वाला नगर निगम बना हुआ है, ठीक है। कौन है, तो गाजियाबाद। और देख लेते हैं अगला, उत्तर प्रदेश देश का पहला वर्चुअल मॉल खोलने वाला प्रदेश बना है, कौन सा, तो इसके सहयोग कौन करेगा, फिक्की इसका सहयोग कर रहा है। लैंड रिकॉर्डेड सर्विस इंडेक्स में उत्तर प्रदेश को 15वां स्थान और प्रथम स्थान पर यहाँ मध्य प्रदेश रहा है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में उत्तर प्रदेश के 14 शहर शामिल किए गए थे, जिसमें लखनऊ 26वें स्थान पर और वाराणसी 27वें स्थान पर और कानपुर 28वें स्थान पर इसमें रहा था। फिर देखते हैं उत्तर प्रदेश के ही बारे में यहाँ पर कौन कौन से मतलब अभी तक अचीवमेंट किया है उत्तर प्रदेश ने, तो यह इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने मथुरा में रिफाइनरी में स्वच्छ ऊर्जा के लिए देश के पहले हाइड्रोजन संयंत्र की स्थापना करेगी। और अगला है, केंद्रीय मंत्री आर के सिंह ने उत्तर प्रदेश में वाराणसी में 24 मार्च को ग्राम उजाला योजना शुभारम्भ की। अगला है, स्ट्रॉबेरी महोत्सव झांसी, गुड़ महोत्सव लखनऊ और केला महोत्सव कुशीनगर तथा चावल महोत्सव सिद्धार्थनगर में मनाया गया अभी हाल ही में, ठीक है। ये 21, ठीक है, 1 जनवरी से और अभी 1 सितंबर तक के हैं, तो हम किसी और दिन भी बताएंगे आप लोगों को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें देखते हैं उत्तर प्रदेश में बाल श्रमिक योजना बनाई गई है, नवीन रोजगार छतरी योजना भी शुरू की गई है, काला नमक चावल महोत्सव उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, मंडुआ डी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या है, बनारस रेलवे स्टेशन रखा गया है उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किसे ICAO का नया अध्यक्ष चुना गया है, हाल ही में किसे ICAO का नया अध्यक्ष चुना गया है, तो आप देखें और बताएं इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो जाएगा। तो इसमें शेफाली जुनेजा हैं, पंकज अडवाणी हैं, अमित सक्सेना हैं या फिर इंदु मल्होत्रा हैं, तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ही है, तो आप देखें और बताएं कि इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो जाएगा। देखते हैं सबसे पहले इसका जवाब कौन देता है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर एक सही है, शेफाली जुनेजा। शेफाली जुनेजा को ICAO का नया अध्यक्ष चुना गया है, तो ये हैं शेफाली जुनेजा, इन्हें ही ICAO का नया अध्यक्ष चुना गया है। तो देखते हैं और अन्य महिलाएं कौन कौन सी हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जैसे हीमा कोहली तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश बनी हैं और देश की पहली हाईकोर्ट की न्यायाधीश कौन थी, तो वो लीला सेठ थी, ठीक है। अगला है रेखा मेनन जो है नेस्कॉम की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी हैं, और अगली हैं श्री रेखा, ये केरल राज्य की प्रथम महिला DGP बनी हैं। अगला है रेखा शर्मा, तो ये राष्ट्रीय महिला आयोग की 3 वर्ष के लिए पुनः अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं। अगली हैं शोभा मंडल, ये शैल की प्रथम महिला प्रमुख बनी हैं। और क्या है, प्रधृति बनर्जी, ये क्या है, जीवोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक बनी हुई हैं। और भावना कांत, ये भारतीय वायुसेना की प्रथम महिला पायलट बन गई हैं। शिवांगी सिंह कौन है, तो नौसेना की पहली महिला पायलट हो जाती हैं। और अगले बाद में आपको डिस्कस करेंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 15वां संस्करण आयोजित किया गया है। तो भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 15वां संस्करण आयोजित किया गया है, तो ये बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार और श्रीलंका। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है, नेपाल। नेपाल और भारत के बीच में क्या है, संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 15वां संस्करण आयोजित किया गया है। तो देख लेते हैं नेपाल, तो नेपाल के बारे में हम जानकारी लेंगे। नेपाल की राजधानी काठमांडू, मुद्रा है नेपाली रुपया, राष्ट्रपति हो जाती हैं विद्या देवी भंडारी, प्रधानमंत्री हैं शेर बहादुर देवा और नेपाल में भारतीय राजदूत कौन है, तो ये हैं श्री विनय मोहन पात्रा। नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो हिमालयन मोनाल। राष्ट्रीय पोशाक कौन सा है, दौरा सुरुवाल, ये पुरुषों में, और इसमें घाघरो चोली जो है ये महिलाओं में होता है। अगला देख लेते हैं, अगला ही है, तो राष्ट्रीय फूल यहाँ का कौन सा, तो नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, डोडोगन, इसे लाली गुरुंग्स भी कहते हैं। राष्ट्रीय खेल यहाँ का वॉलीबॉल है। इसमें जो नेपाल में प्रांत कितने हैं, तो नेपाल में 7 प्रांत हैं। सबसे लंबी यहाँ की नदी कौन सी है, कर्णाली नदी है। और सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट नेपाल में इसे सागरमाथा बोलते हैं। और यहाँ पर भारत और नेपाल के बीच में विवादित क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो ये हो जाते हैं कालापानी, लिपिधुरा, लिपुलेख पास, ठीक है, ये विवादित क्षेत्र हो जाते हैं भारत और नेपाल के बीच में, ठीक है। अगला है नेपाल से पाँच राज्यों की सीमा लगती है उत्तर प्रदेश की। देखते हैं कौन कौन से हैं, तो इसमें हमारा ट्रिक बनाया हुआ है, नेता उत्तर उत्तर
उत्तर बस पहुंचा, ठीक है, नेता उत्तर उत्तर बस पहुंचा, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, ने से तो नेपाल ही हो जाएगा, ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं है। अगला है उत्तर प्रदेश, फिर क्या है उत्तराखंड, बिहार, और फिर सिक्किम और पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो ये हो जाते हैं हमारा कितने, पाँच राज्य, ठीक है। पाँच राज्यों की सीमा किससे लगती है, तो नेपाल से लगती है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, ठीक है। और क्या है सीमा की कुल लंबाई इसकी कितनी हो जाती है, तो टोटल इसकी सीमा की लंबाई 1751 किलोमीटर हो जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भैया, अगला क्वेश्चन देखते हैं आगे, तो नेपाल के संस्थापक कौन होते हैं, तो नेपाल के संस्थापक 25 सितंबर 1768 में पृथ्वी नारायण शाह प्रथम राजा थे ये। और नेपाल गणतंत्र कब बना था, तो 2008 में बना था। वर्तमान में संविधान यहाँ पर कब लागू हुआ, तो 2015 में लागू हुआ। यहाँ का अंतिम राजा कौन है, तो ज्ञानेंद्र वीर विक्रम सिंह, ठीक है, ये यहाँ के अंतिम राजा बने थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन अंडरलाइन 14567 की शुरुआत की है। तो इसमें लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, दिल्ली है, या फिर हरियाणा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 2, जम्मू कश्मीर राज्य सरकार के द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन अंडर लाइन 14567 की शुरुआत की गई है। देख लेते हैं जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, राज्यपाल है मनोज सिन्हा, लोकसभा में 5, राज्यसभा में 4, और राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के सिटी फॉरेस्ट, सलीम अली दच्ची गांव, हेमिस और किश्तवाड़ा यहाँ के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हो जाते हैं। जम्मू कश्मीर और अब एक केंद्रशासित प्रदेश बन गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का 61वां सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क केंद्र कहाँ खुला है, तो भारत का 61वां सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क केंद्र कहाँ खुला है, तो ये मिजोरम में, नागालैंड में, या फिर असम में, या फिर त्रिपुरा में। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है ऑप्शन नंबर 2, नागालैंड में भारत का 61वां सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी केंद्र खुला हुआ है। कहाँ, तो ये नागालैंड में खुला है। देख लेते हैं नागालैंड, तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, और यहाँ के राज्यपाल हैं आर एन रवि, मुख्यमंत्री एनएफ रिव्यो, लोकसभा में 1 सीटें हैं, राज्यसभा में 1, और विधानसभा में 60 सीटें यहाँ की हैं। यहाँ का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो इनाटाकी जो वहाँ का एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है। कहाँ, तो नागालैंड, ओके, नागालैंड ये हमारा हो जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राज्य सरकार के द्वारा विपक्ष रहित सरकार का नया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस रखा गया है, तो किस राज्य सरकार के द्वारा उसका नाम जो विपक्ष के द्वारा उसका नाम रहित सरकार का नाम क्या रखा गया है, नाम यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस रखा गया है, तो ये असम, मेघालय, नागालैंड, या फिर मिजोरम। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 3, नागालैंड, ठीक है। नागालैंड की जो विपक्ष की सरकार है उसका नाम यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस रखा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने क्या छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदल दिया है, तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदल दिया है, तो ये मध्य प्रदेश है, या फिर कौन सा है, तो ये राजस्थान हो जाएगा, या फिर हो जाएगा इसमें हरियाणा। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ही है, छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम किस राज्य सरकार ने बदल दिया है, तो ये बदल दिया है किसने, ये बदला है मध्य प्रदेश ने, ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदल दिया गया है, ठीक है। तो देख लेते हैं मध्य प्रदेश ने और कौन कौन से अचीवमेंट किए हैं, तो यहाँ पर कोरोना से जागरूकता के लिए युवा शक्ति कोरोना मुक्त अभियान शुरू किया गया है, और कोविड सेफ मध्य प्रदेश में एक सड़क का नाम कोरोना वायरस के नाम पर जो रखा गया है, जो उसमें मतलब व्यक्तियों को जागरूक करने के लिए, ठीक है। एनीमिया मुक्त भारत का सूचकांक में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा है, और एशिया में सबसे लंबे और विश्व के 5वें लंबे हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन इंदौर में भारी उद्योग मंत्री ने किया हुआ है, ठीक है। और अंकुर योजना के द्वारा नागरिकों को पेड़ लगाने के लिए सम्मानित किया जाएगा, कहाँ, मध्य प्रदेश में, ठीक है। और इंदौर देश का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है, कहाँ, तो ये भी है, कहाँ, मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो मध्य प्रदेश देखते हैं, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, यहाँ के राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, लोकसभा में 29, राज्यसभा में 11, और विधानसभा में 230 सीटें यहाँ पर हो जाती हैं। यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान क्या है, पन्ना, वन विहार, सतपुड़ा, संजय, माधव, कान्हा, जीवाश्म, दिनशोर जीवाश्म, और बांधवगढ़, और इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी यहाँ के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अडानी एंटरप्राइजेज ने किसे अपना नया CEO और प्रधान संपादक बनाया है, तो ये संजय पुगलिया हैं, पंकज अडवाणी हैं, अमित सक्सेना हैं, या फिर मुकेश कुमार हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है, संजय पुगलिया को अडानी एंटरप्राइजेज ने अपना नया CEO और प्रधान संपादक बनाया हुआ है, ये हैं संजय पुगलिया, ठीक है। संजय पुगलिया को अडानी एंटरप्राइजेज ने अपना नया CEO और प्रधान संपादक बनाया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने गिरगिट जैसी कृत्रिम त्वचा बनाई है, तो हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने गिरगिट जैसी कृत्रिम त्वचा बनाई हुई है, तो ये है उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया,
चीन या फिर अमेरिका। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है ऑप्शन नंबर दो, क्या है, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने दक्षिण कोरिया के शोधकर्ताओं ने गिरगिट जैसी कृत्रिम त्वचा बनाई हुई है। दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया को डिवाइड करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं 38th parallel। ठीक है, 38th parallel जो है ये दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया को डिवाइड करने वाली रेखा हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिग बॉस OTT की पहली विनर कौन बनी है। हाल ही में बिग बॉस OTT की पहली विनर कौन बनी है, तो ये हैं पंकज अडवाणी, मुकेश कुमार, समिता शेट्टी या फिर दिव्या अग्रवाल। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 4, दिव्या अग्रवाल। दिव्या अग्रवाल बिग बॉस OTT की पहली महिला विनर बनी हुई हैं। तो देख लेते हैं, ये हैं OTT की पहली विनर दिव्या अग्रवाल। ठीक है, और इसे होस्ट किसने किया था, तो होस्ट किया था करण जौहर ने। ठीक है, इसको होस्ट किसने किया था, तो बिग बॉस OTT को होस्ट किसने किया था, करण जौहर के द्वारा, और इसकी पहली विनर बनी है दिव्या अग्रवाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने कपूर मिशन का कपूर मशीर नामक मछली को किस राज्य का मत्स्य घोषित किया है। तो किस राज्य सरकार ने कपूर मशीर नामक मछली को किस राज्य का मत्स्य घोषित किया गया है, तो ये किया गया है किसके द्वारा, क्या है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश ऊपर लिखा हुआ है, प्राची लिख गया है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर यहाँ है राजस्थान या फिर है यहाँ पर सिक्किम। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है ऑप्शन नंबर 4, सिक्किम। ठीक है, सिक्किम राज्य सरकार के द्वारा कपूर मशीर नामक मछली को मत्स्य घोषित किया गया है अपने यहाँ सिक्किम राज्य के द्वारा। ठीक है, सिक्किम के राज्य के द्वारा। मनिका शिक्योंद को जल संरक्षण के लिए किस राज्य का गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। मनिका शिक्योंद को जल संरक्षण के लिए किस राज्य का गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, तो ये हैं हरियाणा के लिए, पंजाब के लिए या फिर देख लेते हैं राजस्थान के लिए या फिर हो जाती हैं कौन सी, तो या फिर हो जाता है कौन सा, चौथा ऑप्शन हमारा, तो चौथा ऑप्शन हो जाता है उत्तर प्रदेश। तो ये मनिका शोकेंद को जल संरक्षण के लिए किस राज्य का गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है हरियाणा के लिए। ठीक है, हरियाणा के लिए मनिका शोकेंद को जल संरक्षण के लिए राज्य का गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, तो किसके, हरियाणा सरकार के लिए। ठीक है, तो हरियाणा सरकार के द्वारा ये अभियान किया गया है। ठीक है, किसको, मनिका शोकेंद को। ठीक है, किसको, मनिका शोकेंद को हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। किसको, हरियाणा के द्वारा। हरियाणा में देश की पहली एयर टैक्सी सेवा चंडीगढ़ से हिसार के लिए शुरू हुई है। क्या है, देश की पहली एयर टैक्सी सेवा चंडीगढ़ से हिसार के लिए शुरू हुई है हरियाणा में। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत की पहली महिला उत्खनन इंजीनियर कौन बनी है। भारत की पहली महिला उत्खनन इंजीनियर कौन बनी है, ये आपको बताना है, तो आप देखें और बताएं। तो इसमें हमारा ऑप्शन है समिता शेट्टी, निशांत भट्ट या फिर दिव्या अग्रवाल या फिर शिवानी मीणा। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 4, शिवानी मीणा। शिवानी मीणा जो है भारत की पहली महिला उत्खनन इंजीनियर बनी हुई हैं। अन्य महिला देखते हैं तो शिवांगी सिंह, इन्होंने राफेल उड़ाने वाली पहली प्रथम महिला पायलट बनी हुई थी, ये बनारस से संबंधित थी। ज्योति शर्मा भारतीय सेना की प्रथम महिला जज बनी हैं। और प्रियंका मोहिंते, ये माउंट अन्नपूर्णा चोटी पर चढ़ने वाली प्रथम महिला बनी। और स्फूर्ति प्रिया, फेसबुक ने इन्हें भारत में अपना शिकायत अधिकारी बनाया है। अंशुला राव, ये हैं भारत की प्रथम महिला क्रिकेट खिलाड़ी जो डोप टेस्ट में फेल हो गई हैं। ठीक है, नीतू सिंह, चमेली देवी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, किसको, नीतू सिंह को। मिताली राज कौन है, तो अंतर्राष्ट्रीय खेल में 10,000 रन बनाने वाली प्रथम महिला भारतीय महिला बनी है मिताली राज। मीराबाई चानू कौन है, तो मणिपुर की टोक्यो ओलंपिक में 2020 में 49 किलो भार में और पहले दिन रजत पदक जीता हुआ है। क्या है, पीवी सिंधु, 2016 में रजत पदक और 2020 में कांस्य पदक विजेता चीनी खिलाड़ी विंग योंग जिंग को हराकर इन्होंने 2019 में विश्व चैंपियनशिप अपने हाथ की थी। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, तो यह पहली महिला उत्खनन इंजीनियर शिवानी मीणा, ठीक है, शिवानी मीणा, ठीक है, ये बनी है। तो आज के क्वेश्चन हमारे यहीं पर समाप्त होते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लें और हमारा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आप लोगों को समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।